हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों की जो टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशतता, प्रतिशतता क्या चीज है, आज हम लोग इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। हम पहले ही बताए हैं कि ये हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को कैसे हम ऑन स्पॉट आंसर देते हैं, 3 सेकेंड के अंदर, 2 सेकेंड के अंदर। तो उसी मेथड का हम लोग प्रयोग करके चल रहे हैं। ये जो बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं आपका प्रतिशत, प्रतिशत क्या चीज़ होता है, तो प्रतिशत पहले क्या चीज़ होता है इसको आप लोग जानिए कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या होता है प्रतिशत? वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है, 100 होता है। अब जैसे यक्ष प्रतिशत, यक्ष प्रतिशत, यक्ष प्रतिशत का अर्थ होता है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में यक्ष भाग। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स बटे में 100। किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक्स भाग को हम एक्स प्रतिशत कहते हैं। अब 16%, 16% का मतलब क्या हुआ? 100, 16 बटे में 100, 16 बटे में 100, ठीक है। इसको हम साफ कर देंगे, 16 बटे में 100 को, तो क्या हो जाएगा? 4 बटे में 25। तो जो डिनोमिनेटर 100 होता है इसी को हम प्रतिशत लिखते हैं। ये सभी लोग ध्यान दे लीजिए। अब प्रतिशत आप ये ध्यान दीजिए कि 10%, 20%, 30%, 90% प्रतिशत क्या 100 के नीचे ही होगा या 100 के ऊपर भी होगा? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत 100 के ऊपर भी हो सकता है। जैसे 90%, 110%, ठीक है, 125%। तो परसेंट जो होता है आपका 100 से ऊपर भी होता है और 100 से नीचे भी होता है। अब हम आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम ले चल रहे हैं। अब लिखिए आप फार्मूला है, उसी पे हम आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, ध्यान दीजिए, आपका ट्रिक है ये। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा? यदि ए की आय बी की आय से यक्ष प्रतिशत अधिक है, ए की आय बी की आय से यक्ष प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? आपको कुछ नहीं करना है, कोई माना मनुआ नहीं, सीधे आपको आंसर दे देना है कि कितना प्रतिशत कम होगा। एक्स परसेंट अधिक है तो एक्स अपान 100 प्लस यक्स,
इंटू 100%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कोई माना मनुआ नहीं, न मानेंगे न मनाएंगे, सीधे ही केवल हम आंसर पे ही जंप करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे इसी पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? ध्यान दीजिए, जो थोड़ा भी इधर उधर सोचेगा कहेगा 25% अधिक है तो ही 25% कम हो जाएगा, लेकिन ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको आंसर नहीं। अब देखिए यहाँ पे यही टेक्निक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? आपका आंसर हो जाएगा कितना प्रतिशत कम होगा, यक्स अपान 100+ यक्स, यक्स जगह क्या है 25 है, तो 25/25 25% अधिक है तो 100+25 इंटू 100, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो 25/125 100, 25 × 5 = 125, 5 × 2 = 100, आंसर आ जाएगा 20%। तो आंसर तो आपका यही है, अब इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट फार्मूला का है अपोजिट फार्म में, जैसे आपका ए की आय बी की आय से एक्स परसेंट कम है, पिछला दिन क्या था, अधिक था, ए की आय बी की आय से एक्स परसेंट कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा सीधे आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा, आपका आंसर हो जाएगा यक्स अपान, ये क्या है, ये यक्स परसेंट कम है तो इसको लिखेंगे 100 - यक्स इंटू 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट ये क्या होगा, बी ए से अधिक हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू फार्मूला यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस, नोट द क्वेश्चंस हियर यू हैव, ध्यान दीजिए उसी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक होगा? तो आंसर हो जाएगा कितना परसेंट अधिक होगा, 25% कम है 25 और बटे में 100 - 25 इंटू 100, यानी आपका हो गया 25/75 × 100, 25 × 3 = 75, काट देंगे तो 33 / 1/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे ट्रिक का प्रयोग करके आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हमारा इसी पर आधारित अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि जैसे किसी वस्तु के मूल्य में x परसेंट की वृद्धि हो जाए, उसकी खपत में y परसेंट की कमी हो जाए, तो कोई व्यक्ति अपने एक्सपेंड को खर्च को कितना परसेंट कम या अधिक कर दे कि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, धन्यवाद।